हेलो, कैसे हो आप सब? आज है फ्राइडे और आज मेरा बाल धोकर नहाने का दिन था, सो मैंने बाल धो लिए हैं। कल ऑयलिंग भी की थी बालों में, अभी ठीक से सूखा भी नहीं है। मैंने ड्रायर तो कर लिया है और अभी मैं हो गई हूँ लंच बनाने में लेट। हुआ यूं कि हस्बैंड 2 दिन से बाहर गए हुए हैं और वो कल सैटरडे को आने वाले थे। आज सुबह 10 बजे उन्होंने कॉल किया और बोला कि वो आज वापिस आ रहे, लंच घर पे करेंगे। तो फिर घर में ठीक से सब्जियां उब्जियां भी नहीं थी, फिर मैंने पूछा क्या बनाऊं, उन्होंने बोला देसी स्टाइल में फिश करी बनाने को। उनका एक फिश है जो बहुत फेवरेट है, तो उन्होंने बोला उसको देसी स्टाइल में बनाने को। सो काम करने में इतनी देर हो गई मेरी, अभी मैं फटाफट जाऊंगी किचन में। तो मैंने क्या किया, मार्केट कौन जाए, सो मैंने स्विगी से फिश ऑर्डर कर दिया और वो अभी अभी आ गया है। तो मैं फटाफट उसको बनाऊंगी और फिर लंच करेंगे। तो चलिए स्विगी का फिश अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते कैसा आया है। तो ये है मेरा स्विगी से आया हुआ पिंक पर्च, ये 1 केजी का है। और 1 केजी का नहीं है, 1 केजी मैंने ऑर्डर किया है, 1 केजी था कुछ 380 का। सो मैंने 1 केजी मंगा लिया है और यहाँ मैंने सरसों और खसखस को भिगो के रख दिया है, फिर इसका पेस्ट बना लूँगी। तो ये तो क्लीन करके देते हैं, बस दो पानी से धो लूँगी तो हो जाएगा। वैसे इन लोगों का अच्छा होता है, ऑनलाइन जो देते हैं ना वो मछली भी फ्रेश होता है, मछली हो या मीट हो जो भी हो, नॉन वेज बहुत फ्रेश होता है और काफ़ी अच्छे से ये लोग क्लीन करके देते हैं। तो घर में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, मुझे तो ये ऑनलाइन वाला ही ज़्यादा आजकल अच्छा लग रहा। तो ये भी कितना अच्छा से क्लीन करके दिया हुआ है, कुछ भी गंदगी नहीं है और बिल्कुल फ्रेश फिश है। तो मैं बस इनको दो पानी से धो लूँगी और धोने के बाद फिर इनको फ्राई करूँगी, फ्राई करके करी बनाऊँगी। और यहाँ पे मेरा धुल गया है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना। थोड़े छोटे साइज के हैं इसलिए 1 केजी में ज़्यादा चढ़ा है, अगर ये थोड़े बड़े साइज के होते ना तो कुछ 4-5 पीस ही चढ़ते हैं, तो छोटे थे इसलिए 1 केजी में 8 पीस चढ़ गया था। और यहाँ मुझे हाथ धोकर आना पड़ेगा, फिर वो हाथ को मछली में मिलाना पड़ेगा, तो मैंने इसीलिए अपनी हेल्प के लिए अपने बेटे को बुला ली। वो मुझे नमक दे दिया, हल्दी दे दिया और लाल मिर्च पाउडर दे दिया, तो मुझे दोबारा हाथ धो के नहीं आना पड़ा। तो एक ही बार मैंने इसे मिला के रख दिया, अब मैं जाके हाथ धो लूँगी, उसके बाद करेंगे फिश की फ्राई। और तेल भी गर्म हो गया है, बस इसमें यह मैंने सरसों का तेल यूज किया है। वैसे मैंने कैमरा तो लगा के रखा था पर ऑन करना भूल गई थी। जब अकेले हाथ से ऐसा करते हैं ना तो कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ क्लिप ना मिसिंग रहता है, मुझे लगता है जैसे कैमरा ऑन है पर कैमरा ऑन होता नहीं है उस टाइम। तो यह मैंने सरसों तेल यूज किया है और उसमें एक एक करके इसी तरह सारे फिश को फ्राई कर लूँगी। तो इसमें एक दो थोड़े बड़े साइज के थे और एक दो छोटे भी थे। सो यहाँ फिश फ्राई हो रहा तब तक मैं यहाँ लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लेती हूँ मिक्सी बोल में डाल के। ये यहाँ फिश भी फ्राई हो गई मेरी सारी और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी कर लिया है। और वापस से इसमें तेल डालूँगी, और दूसरे बॉटल का तेल ख़त्म हो गया था फ्राई करने में तो मैंने नया बॉटल भी खोला है। और ये देखिए फिर से मेरा एक क्लिप मिसिंग हो गया, यहाँ मैंने तेल डालने के बाद कलौंजी का फ़ौरन डाला था, उस टाइम मैं फिर कैमरा ऑन करना भूल गई थी। और कलौंजी का फ़ौरन डालने के बाद मैंने उसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डाला। और जब तक इधर फ्राई हो रहा मसाला, मैंने उधर खसखस और सरसों का पेस्ट बना लिया है।
देखिए कितना खूबसूरत लग रहा, और इसे मुझे हाथ से डालना पड़ा क्योंकि मैंने पानी कम डाला था पीसते वक्त। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब सरसों वाली फिश बनाती हूँ तो मैं उसमें सरसों को मैं कम फ्राई करती हूँ। उससे क्या होता है ना, सरसों तीता हो जाता है, जो करी बनता है ना वो तीता हो जाता है, कड़वा हो जाता है। इसलिए मैं सारे मसाले फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद सरसों डालती हूँ और बस 5-10 सेकेंड चलाने के बाद मैं उसमें पानी डाल देती हूँ। तो यहाँ मेरा हो गया है करी का काम, और इसमें नमक डाल दूँगी जितना स्वाद चाहिए उतना, और बस इसे उबलने दूँगी। और जब तक यहाँ मेरा उबल रहा है, यहाँ मेरा चावल देख लेती हूँ। तो चावल भी मेरा है तैयार, अब इसका पानी निकाल दूँगी। मार बोलते हैं ना बिहारी में, भात का मार निकालना, वही यहाँ मार निकाल दूँगी। और जब तक ये मार निकलेगा उधर मेरा करी भी बॉयल हो गया है। अब मैं इसमें सारे फिश को डाल दूँगी। फिश इतना फ्रेश था ना कि फ्राई करते टाइम जरा भी नहीं टूटा, न चिपका, कुछ भी नहीं हुआ, और मुझे सस्ता भी मिल गया था। अभी यहाँ लोकल मार्केट में जाती ना तो ये 500 से कम का नहीं मिलता, और ऑनलाइन 380 का मिल गया था। और यहाँ मैंने एक बड़े साइज का टमाटर लिया था और उसको बड़े मोटे मोटे साइज में काट लिया है, और उसको डाल दूँगी। और 4 ताज़े हरी मिर्च को चीर लिया है बीच से, इसको डाल के अब ढकने रख दूँगी। वैसे फिश की करी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ, मुझे चिकन बनाने में टाइम लगता है। और एक बार खोल कर देख लेते हैं, और ये कितना खूबसूरत करी बनकर तैयार हो गया है। और देखिए, देखते ही खाने का मन कर रहा, तो ये तो तैयार हो गया है। अब ढक देते और कर देते हैं गैस को बंद। अरे करी में से एक मिर्च भी निकल के गिर गया है मेरा। तो खाने वाले लोग मेरे आ गए हैं और घर में बैठे, अब मैं खाना निकाल रही हूँ। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ टेस्टी टेस्टी फिश करी और चावल खाने, बहुत ही सिंपल सा आज का लंच हमारा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और इसके आगे मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं है, सो इसलिए यही एंड करती हूँ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी। बाय बाय।